गुड मॉर्निंग बच्चों, जैसा कि अभी हम आपको पिछले वाले वीडियो में शिक्षा के बारे में पढ़ाया, शिक्षा के क्या अर्थ हैं और किस युग में शिक्षा का क्या क्या प्रावधान था, कैसे शिक्षा बच्चों को बालकों को ग्रहण कराया जाता था वैदिक काल में, बौद्धिक बौद्ध काल में और जो है उसके बाद मध्य काल में क्या शिक्षा का साधन था, उसी प्रकार आज हम आपको अंग्रेजी काल में शिक्षा के बारे में बताएंगे कि अंग्रेजी काल जब हमारे भारत में मुगलों का शासन खत्म होने लगा तो धीरे धीरे अंग्रेजी शासन हमारे भारत में प्रवेश करने लगे, तो उस काल में शिक्षा का क्या जो है साधन हुआ, कैसे शिक्षा जो है प्रशासन और साधन का जो है एक रूप बनाया गया, उसके बारे में हम जो है आपको आज बताने जा रहे हैं कि अंग्रेजी काल में अंग्रेजों के समय में शिक्षा का कैसे आचार प्रसार किया गया, किस माध्यम से शिक्षा पे या क्या किस भाषा के माध्यम से शिक्षा देने का प्रावधान बनाया गया, वो प्राचीन युग से हटकर और मध्य युग से हटकर और बौद्ध काल से हटकर ये अलग प्रकार से शिक्षा देने की इसमें जो है बात कही गई कि अंग्रेजी शासन जब आया तो अंग्रेजी शासन में शिक्षा के जो प्रावधान रखे गए वो अपने शिक्षा के अस्तित्व को भारत में जो नहीं जानते थे कि शिक्षा क्या है या शिक्षा के माध्यम से हमारा कैसे विकास होगा, उसके लिए अंग्रेजी काल या अंग्रेजों के शासन में उसकी व्यवस्था किस हिसाब से या किस जो है साधन के माध्यम से उनको शिक्षा दी गई, इसके बारे में जो है हम आपको बताने जा रहे हैं। जैसे भारत में औरंगजेब की मृत्यु के उपरांत मुगल शासकों में कोई ऐसा शक्तिशाली तथा योग्य शासक नहीं हुआ जो अपने पूर्वजों की राज्य का रक्षा कर सके। कहने का मतलब यह है कि औरंगजेब, जब हमने कहा कि मुगल शासक समाप्त होने लगा, औरंगजेब की मृत्यु के बाद कोई ऐसा मुगल शासक नहीं पैदा हुआ कि जो अपने पूर्वजों के राज्य का सही ढंग से रक्षा कर सके या जो है उसके बारे में या उसके विकास के बारे में वो उसका रक्षा कर सके, ऐसा कोई मुगल शासक नहीं पैदा हुआ। उसके बाद जो है अनेक मुगल शासन की नींव औरंगजेब के समय में ही हिलने लगी थी, किंतु उसके उपरांत हालत और भी खराब होती गई। औरंगजेब के अनेक उत्तराधिकारी जो थे उत्तराधिकारी हुए, किंतु सभी थोड़ी थोड़ी अवधि तक शासन करने के बाद पारस्परिक संघर्षों के युग में ही मुगल शासन या उस पर आक्रमण होने लगे। कहने का मतलब यह हुआ कि मुगल औरंगजेब से ही शासन जो था मुगलों का वो धीरे धीरे क्या होने लगे, उसी समय से हिलने लगे, उस पर कमजोर होने लगा शासन। तो कुछ समय के लिए जब थोड़े थोड़े लोग आकर उत्तराधिकारी बने तो उनका भी इसी प्रकार से हालत हुआ, उन पर जब आक्रमण होने लगे तो वो क्या किए कि वो हारने लगे और धीरे धीरे दूसरा कोई जो है उस पर राज्य करने लगा, अपना राज्य स्थापित करने लगा, अपना शासन स्थापित करने लगा। तो उसमें क्या हुआ कि मुगलों का शासन खत्म होने लगा। इस प्रकार से जो है इन्होंने मुगल शासन की जड़ें खोखली करने में और भी सहायता की। शासन की इस अंधकारपूर्ण संघर्ष तथा अनिश्चितता से पूर्ण लंबे समय तक शिक्षा पूर्ण रूपेण उपेक्षित रही। मतलब कहने का मतलब यह हुआ कि जब मुगल शासन खत्म हुआ तो उसके बाद क्या हुआ, शिक्षा का कोई भी आचार प्रसार, कोई शिक्षा से कोई मतलब ही नहीं था, शिक्षा खत्म हो गया, उससे कोई उपेक्षित कार्य नहीं, शिक्षा
शिक्षा अनिश्चित हो गया, उसके बारे में कोई चर्चाएं नहीं, कोई बातचीत नहीं, शिक्षा का माध्यम कोई नहीं बन पा रहा था। इस प्रकार से जो है अंधकारपूर्ण संघर्ष था, उसमें पूर्ण रूप से उपेक्षित होने लगी कि शिक्षा का से क्या अपेक्षा रखा जाए, कैसे शिक्षा दिया जाए। इस अंधकारपूर्ण में संघर्ष होने लगा शिक्षा के प्रति, लेकिन शिक्षा का किसी भी प्रकार से कोई साधन नहीं निकल पा रहा था, जिससे कि वह अपने भारत में जो है जनसाधन के लिए या जनसाधारण के लिए उनको जो है शिक्षा देने की पूरी कोशिश किया जा सके। जैसे जन की बात हो रही है, लोगों को किस प्रकार से शिक्षा हम दे सकें कि यह अंधकार पूर्ण संघर्ष से निकल कर एक अच्छे ढंग से शिक्षा के बारे में जान सकें और अपने भविष्य को सुधार सकें, इसके लिए जो है ये उससे जो है संघर्ष करना शुरू कर दिए शिक्षा को लेकर। इसके बाद इस युग में सभी शासक अपने शासन के लिए संघर्ष करते रहे। कहने का मतलब वो जितने भी शासक थे वो क्या करते थे, संघर्ष करने लगे शासन करने के लिए, मतलब एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करने लगे। शिक्षा का कोई वहाँ अस्तित्व तो नहीं रह गया, कोई महत्व तो नहीं रह गया, एक दूसरे से संघर्ष करने लगे, लड़ाई करने लगे कि हमको शासन करना है, हमको शासन करना। हर शासक एक दूसरे से क्या किए, युद्ध करना शुरू कर दिए, तो उसमें शिक्षा का कोई अस्तित्व नहीं रह गया, कोई महत्व तो नहीं रह गया, जिसकी वजह से जो है शिक्षा अंधकार पूर्ण हो गई। अंधकार पूर्ण होने के बाद उसके प्रति संघर्ष, जैसे वो शासन के लिए संघर्ष कर रहे थे, लड़ाई कर रहे थे, उसी प्रकार शिक्षा के प्रति भी जो है संघर्ष करना जो है उनका कर्तव्य बन गया। इस प्रकार से जो है इस युग में सभी शासन इन परिस्थितियों में शिक्षा की तरफ ध्यान देने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर ये सारी चीजें शासन के लिए हो रहा था, शासन के लिए लोग लड़ाई कर रहे थे, तो उसमें प्रश्न यह नहीं उठता कि शिक्षा है क्या, शिक्षा का कोई मतलब ही नहीं रह गया, वहाँ शिक्षा क्या हो गया, समाप्त हो गया, और इस शिक्षा से कोई मतलब नहीं रह गया, सिर्फ अपने शासन से मतलब रह गया कि उन्हें शासन करना है। इस प्रकार से 18वीं शताब्दी में शिक्षा अंधकारमय युग में रही। 18वीं शताब्दी में शिक्षा क्या हो गया, अंधकार में, मतलब अंधकार में चला गया, उसका कोई अस्तित्व नहीं रह गया, कोई मतलब नहीं रह गया शिक्षा का। 18वीं युग में शिक्षा से सिर्फ यही चीज़ें होती रही, एक दूसरे के बीच संघर्ष होता रहा, लड़ाई होता रहा, झगड़ा होता रहा शासन करने के लिए, लेकिन कोई शिक्षा पर ध्यान नहीं देता था, इसलिए अंधकारपुर में यह शिक्षा इस युग में कोई इसका अस्तित्व नहीं रह गया, अंधकार में चला गया, इसलिए 18वीं शताब्दी में शिक्षा का कोई मतलब नहीं रह गया। इस शताब्दी में शिक्षा व्यवस्था एक तो वैसे ही विच्छिन्न पड़ी थी, जो कुछ भी थी उसके ज्ञान के कोई प्रामाणिक साधन उपलब्ध नहीं है। मतलब कहने का मतलब यह है कि शिक्षा छिन्न भिन्न हो गया, इधर उधर हो गया, इधर उधर हो गया, कोई उसका जैसे उद्देश्य होता है, साधन होता है, माध्यम होता है, ये सारी चीज़ें कुछ भी नहीं रह गया शिक्षा में, और ये क्या हो गया, विच्छिन्न पड़ा रह गया। और उसके बाद भी कोई ऐसा प्रमाण नहीं था कि जिस प्रमाण के माध्यम से लोगों को हम शिक्षा दे सके उस शासन में, 18वीं युग में, कि जो है जिससे लोगों का भविष्य सुधर सके, जीवन सुधर सके, इसके लिए कोई प्रमाण उनके पास नहीं बचा हुआ था। तो वर्तमान शिक्षा के अध्ययन के लिए हम 1800 ईस्वी से चलते हैं। जब हम वर्तमान शिक्षा की बात करते हैं, जैसे आपका विषय है ना, विषय में क्या है, वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, तो अब क्या हो गया, अब हम जब वर्तमान शिक्षा लेते हैं तो वर्तमान शिक्षा क्या हो गया है, वर्तमान शिक्षा आपका जो है 1813 ईस्वी से चलता है। वर्तमान शिक्षा हमारा कब से चलता है, 1813 ईस्वी से चल रहा है। तो हम इसको मान लेते हैं कितने, वर्तमान शिक्षा 1813 ईस्वी से चल रहा है। इसमें जो है इंग्लैंड की संसद ने, ईस्ट इंडिया
की कंपनी के सामने शिक्षा नीति तथा उत्तरदायित्व रख दिया, जिसे कहा जाता है कि जब अंग्रेजी शासनकाल आया तो अंग्रेजी शासनकाल में जो है इंग्लैंड की कंपनी कौन थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक नींव डाली और उसने जो है शिक्षा के एक नई नीति, एक शिक्षा नीति रखी, शिक्षा नीति की उत्तरदायित्व को बनाया, शिक्षा नीति की नींव डाली। अब आप ये समझ लीजिए कि वर्तमान शिक्षा कब से चल रहा है, 1813 ईस्वी से चल रहा है। उस समय इंग्लैंड की कंपनी अंग्रेजी काल में सबसे पहले कौन आया, इंग्लैंड की कंपनी ने भारत में क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से शिक्षा नीति की नींव डाली। उस शिक्षा नीति की नींव डालने के बाद उसके उत्तराधिकारी जो थे उत्तरदायित्व रख दिया और इस प्रकार शिक्षा राज्य का एक कर्तव्य भी बन गया। कहने का मतलब ये जो कंपनी ने, इंग्लैंड की कंपनी ने ये नींव डाली थी, उस नींव में जो उत्तरदायित्व रख दिया और उत्तरदायित्व रखने के बाद ये हो गया कि राज्य का एक कर्तव्य बन गया, एक दायित्व बन गया कि उनके राज्य में शिक्षा व्यवस्था जो है वो सही ढंग से होना चाहिए। उसके लिए जो चीज़ें कंपनी की तरफ से देना था या कंपनी से जो भी व्यय करना था, खर्च करना था, वो कंपनी उसका वहन करती है। आगे मैं आपको बता रही हूँ कि वो कितना जो है खर्च करने के लिए कंपनी एक साल के लिए शिक्षा पर क्या खर्च देना चाहती थी और शिक्षा के माध्यम से किन भाषाओं को रखना चाहती थी ये कंपनी। जैसे जो है 1830 ईस्वी में आज्ञा पत्र में कहा गया कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी प्रतिवर्ष 1,00,000 रुपये की धनराशि शिक्षा और साहित्य तथा विज्ञान की प्रगति हेतु व्यय करे। इसी आज्ञा पत्र ने भारत में अर्वाचीन शिक्षा की नींव डाली। कहने का मतलब यह है कि जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनका कहना यह है कि वो जो है जो नींव डाली थी उसमें व्यय करने का जो खर्च था, आर्थिक रूप से जो व्यय करना था उनको, वो 1,00,000 रुपये देना चाहते थे। उसमें जो है उस धनराशि से साहित्य तथा विज्ञान के खर्च के लिए 1,00,000 रुपये व्यय करना चाहते थे। उसके बाद जो है वो आज्ञा पत्र रखे, आज्ञा पत्र में कहा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी है वो 1,00,000 रुपये इस पर जो है व्यय खर्च करेगी एक साल में, और इसमें साहित्य एक विषय होगा और साहित्य के साथ साथ विज्ञान प्रगति की ओर ले जाएंगे, इसके लिए वह आज्ञा पत्र में सिफारिश किए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी जो आज्ञा पत्र दिया था उसमें यह चीज़ें सिफारिश किया गया था। अब हम बात करेंगे अनिश्चितता का युग। यही से इस आज्ञा पत्र ने भारत में अर्वाचीन, कौन सी अर्वाचीन शिक्षा का नियम डालते हुए अनिश्चितता युग का यही से प्रारंभ होता है। अनिश्चितता युग का यही से क्या होता है, प्रारंभ होता है। तो इसके बारे में हम आपको जो है बताएं, तो इस प्रकार से हाँ, तो इस प्रकार से जो है अंग्रेजी काल में जैसे उनका जब शिक्षा के लिए या उनका शासन जब प्रारंभ हुआ तो यहीं से ईस्ट इंडिया कंपनी जब शिक्षा का आचार प्रसार के लिए आज्ञा पत्र उसमें दिया, आज्ञा पत्र के माध्यम से उन्होंने शिक्षा पे जो व्यय था, जो खर्च था, वो खर्च उन्होंने बताया कि हम
और विज्ञान के लिए इतना जो है एक साल में खर्च करेंगे, यही से जो है अनिश्चितता का युग प्रारंभ होता है। तो भारत में अरबा चीन शिक्षा की नींव पड़ते ही भारतीय शिक्षा का अनिश्चित युग प्रारंभ हो जाता है। यहीं से क्या होता है, युग क्या होता है, प्रारंभ, सॉरी, यहीं से युग क्या होता है, प्रारंभ हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है, जिसके बाद सन 1813 से 1835 के बीच जो है शिक्षा को लेकर संघर्ष शुरू हो जाता है। संघर्ष क्या होता है, शिक्षा का संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। इसके माध्यम से यह देखा जाता है कि शिक्षा के प्रति जो संघर्ष है वो क्या होता है कि शिक्षा को दो मतों से प्रकट किया जाता है। एक मत से होता तो शिक्षा का जो है कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा सा विकास देखने को मिलता है, या शिक्षा के जो अंधकार में था वह कहीं उज्ज्वल की ओर या भविष्य लोगों का बनाया जा सकता था। लेकिन इसमें क्या हुआ कि जब दो मत प्रस्तुत हो गए तो दो मतों के बीच क्या हुआ, संघर्ष होने लगा, झगड़ा होने लगा। वो अपना मत प्रस्तुत करना चाहते थे और दूसरा अपना मत प्रस्तुत करना चाहते थे, वो अपने मत के माध्यम से शिक्षा देना चाहते थे। हर दो मतों के माध्यम से शिक्षा नहीं चलाया जा सकता, एक ही मत से शिक्षा चलाया जा सकता है। इसके लिए जो है इस युग में शिक्षा के विभिन्न अंगों तथा कार्यों पर दो प्रकार के मत क्या हुए, प्रकट किए जा रहे थे और यह निश्चित नहीं हो पा रहा था कि किस मत को स्वीकार किया जाए। इस समय इन निम्नलिखित पहलुओं पर विवाद क्या हुआ चलता रहा। जैसे दो मतों से प्रकट करने की बात कही जा रही थी तो उसमें ये चीज़ें देखा जा रहा था कि किस मत से इसे प्रस्तुत किया जाए जिससे कि शिक्षा का आगे सही ढंग से विकास हो सके और लोगों को जो है इसका शिक्षा जो है उनके माध्यम से उनके तक पहुंच पाए जिससे कि वह शिक्षा का कुछ महत्व समझ सके। तो इसके अन्य पहलुओं पर ध्यान दिया गया, कौन कौन से पहलुओं पर विवाद जो हो रहा था। तो सबसे पहला पहलू हमारा क्या था, पहला जो पहलू था हमारा उद्देश्य था। पहला क्या था हमारा उद्देश्य और दूसरा था हमारा साधन और तीसरा हमारा था माध्यम। तो ये इन्हीं पहलुओं पर जब बात विवाद चर्चाएं हो रही थी और इन्हीं चीजों को लेकर लोगों में संघर्ष हो रहा था। दो प्रकार से मत हो रहा था कि शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए, शिक्षा का साधन क्या होना चाहिए और शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए। इन्हीं पर जो है वाद विवाद चल रहा था। अलग अलग प्रकार से लोग अपने अपने मत को प्रस्तुत कर रहे थे और सभी का मत एक जैसा नहीं था, इसलिए शिक्षा का कोई भी जो है सही ढंग से विकास ना हो पाया। उस युग में भी शिक्षा क्या था, अंधकार में ही था, उसमें कोई जो है शिक्षा सही ढंग से लोगों तक न पहुँचाया जा सका। ये भी आज्ञा पत्र के माध्यम से वो शिक्षा वहीं पर रह गया। ईस्ट इंडिया कंपनी जो चाहती थी वो शिक्षा का पूरी तरह से विकास नहीं कर पाया। पहला क्या था, उद्देश्य था, साधन था और तीसरा क्या था, माध्यम था। इन्हीं तीनों पर जो है विवाद चल रहा था शिक्षा को लेकर। तो उद्देश्य में हम देखते हैं क्या है, उद्देश्य में है कि पहला विवाद इस बात पर था कि शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए। एक मत का कथन था कि शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य जनसाधारण को ज्ञान का प्रकाश देना चाहिए, इसके लिए वे भारत में प्रारंभिक शिक्षा का विकास करना चाहते थे। इस विचार के विपरीत कुछ लोग भारत में केवल उच्च शिक्षा का ही विकास करने के पक्ष में थे। देखिए उद्देश्य का माध्यम क्या था, तो कुछ लोगों का मत था जब दो प्रकार
उद्देश्य था वो जन साधारण लोगों तक पहुंचाना चाहिए, उन्हें प्रकाशमय बनाना चाहिए शिक्षा को लेकर। और प्रारंभिक शिक्षा का सबसे पहले जो है हमें प्रचार प्रसार करना चाहिए। उसी के विपरीत में अगर देखा जाए तो कुछ लोग प्रारंभिक शिक्षा के मत में न होकर उच्च शिक्षा के मत में थे। उनके कहने का मतलब था प्रारंभिक शिक्षा को छोड़ दिया जाए, उच्च शिक्षा पर ध्यान दिया जाए, उच्च शिक्षा पर ही प्रकाश डाला जाए और जनसाधारण तक जनसाधारण के प्रकाश में ले आया जाए, जिससे कि लोगों का भविष्य सुधर सके। ये तो यही दो मत था जिस पर वाद विवाद चल रहा था। ये पहला वाद विवाद था। दूसरा वाद विवाद था साधन। साधन ने क्या था, दूसरा वाद विवाद था कि शिक्षा के क्षेत्र में सरकार व्यक्तिगत प्रयासों तथा मिशनरी संस्थाओं के क्या कर्तव्य तथा दायित्व होने चाहिए। कुछ लोग शिक्षा को केवल सरकार का दायित्व बनाना चाहते थे, जबकि कुछ लोग इसका व्यक्तिगत प्रयासों के क्षेत्र में लाना चाहते थे। मिशनरी संस्थाओं का क्या दायित्व होना चाहिए, इस पर भी अनेक विचार किए जा रहे थे। जैसे कहा जा रहा था कि साधन, उनके कहने का मतलब है कि जो भी दो मत थे उस मतों में जो बात विवाद चल रहा था, वह बात विवाद यह था कि यह शिक्षा का जो साधन हो वह किसे सौंपा जाए। सरकार जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी जो आज्ञा पत्र दी थी उसमें जो मिशनरियों का संस्था था उनका कर्तव्य होना चाहिए कि शिक्षा के साधन में क्या क्या चीज़ें प्रयोग किया जाए, जैसे कि जनसाधारण तक उसको पहुंचाया जा सके। और उसके बाद जो है उनकी शिक्षा का जो कर्तव्य है, जो साधन है, उसके लिए जो है संस्थाओं के माध्यम से जो चीज़ें आनी चाहिए, व्यक्ति प्रयासों को क्षेत्र में ले आना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि मिशनरी जो संस्था थी उनका कर्तव्य होना चाहिए कि व्यक्ति प्रयासों को क्षेत्र में ले आना चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि एक एक व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि शिक्षा उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और वह साधन जो है संस्थाओं के माध्यम से मिल रहा है तो उसका जो है उपयोग उन्हें जीवन में करना चाहिए, जिससे कि वह आगे भविष्य में कुछ अपने जीविकोपार्जन करने के लिए अपने भविष्य को बना सके शिक्षा को लेकर या शिक्षा ग्रहण करें। ये व्यक्तिगत प्रयासों को बिल्कुल मिशनरियों का कर्तव्य था कि उन्हें संस्थाओं में बुलाकर यह वो जो है उपदेश उन्हें देना चाहिए। तीसरा था हमारा माध्यम। माध्यम क्या है, सबसे महत्वपूर्ण वाद विवाद माध्यम के संबंध में था। सही बात है कि हम शिक्षा देने चल रहे हैं लेकिन हमारा शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए, इस पर सबसे जरूरी मतलब ये सबसे महत्वपूर्ण संबंध था लोगों के बीच में कि वाद विवाद। हम जब शिक्षा का नींव डाल रहे हैं या भारत में अलावा जिन शिक्षा का नींव डाल दिए तो उसमें भारतीय शिक्षा का जो अनिश्चित युग चल रहा था उसमें जो अंधकार युग में शिक्षा थी उस शिक्षा को उज्ज्वलमय बनाने के लिए हमें माध्यम क्या बनाना चाहिए, इस संबंध में सबसे ज़्यादा उनका जो है वाद विवाद चल रहा था। तो साधन, कुछ पुराने लोग भारतीय भाषाओं को माध्यम बनाना चाहते थे, जैसे कुछ पुराने भारतीय जो थे इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी में जुड़े थे उनका क्या था, वो पुराने भाषाओं को जो है इसमें प्रयोग में ले आना चाहते थे। और जो लोग भारतीय भाषाओं के माध्यम बनाना चाहते थे उनमें भी दो दल थे। कहने का मतलब था जो भारतीय लोग थे उनमें जो है शिक्षा का जो भाषा प्रयोग करना चाहते थे, भारतीय पुरानी भाषाओं को प्रयोग करना चाहते थे, उसमें भी दो लोग थे। एक जो थे वो बंगाल के थे और दूसरा जो थे मुंबई, मतलब पहले तो बम्बई ही, हम मुंबई लोग बोल रहे हैं, बम्बई के लोग थे और एक जो है बंगाल के लोग थे। तो दो दल थे। तो बंगाल के लोग क्या थे, संस्कृत अरबी तथा फारसी, बंगाली जो थे, बंगाली जो माध्यम चाहते थे शिक्षा का वो क्या माध्यम चाहते थे, बंगाल के लोग क्या चाहते थे, बंगाल के लोग यह चाहते थे कि हमारा जो शिक्षा का माध्यम होना चाहिए, भाषा का जो माध्यम जिस भाषा में हमें शिक्षा देना चाहिए वह किस में होना चाहिए, वो होना चाहिए हमारा जो है संस्कृत अरबी तथा फारसी। किसमें होना चाहिए, संस्कृत अरबी तथा फारसी। ये बंगाल
मत थे कि शिक्षा का माध्यम संस्कृत, अरबी, फारसी होनी चाहिए। ये बंगाल का मत था, लेकिन जो मुंबई का मत था, तो मुंबई का जो मत था, उनका कहना था कि साधारण बोलचाल के भाषा में शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। जैसे लोग अपने भाषा में बात करते हैं, जो साधारण भाषा है उसके माध्यम से शिक्षा देनी चाहिए। जैसे युवाओं का जो समूह था, उस युवाओं के समूह में जो था वो आंग्ल भाषा शिक्षा के माध्यम के रूप में देखना चाहते हैं। युवा लोगों का एक जो समूह बनाया गया था, उस समूह में उन लोगों का जो मत था, वो मत ये था कि आंग्ल भाषा में शिक्षा देनी चाहिए। और इन दोनों का अलग मत था। एक था कि जैसे लोग साधारण भाषा में बोलते हैं, उस माध्यम से उस पक्ष के में थे कि उस माध्यम से हमें शिक्षा देनी चाहिए। लेकिन जो बंगाल का दल था, वो बंगाल का दल यह चाहता था कि उन्हें संस्कृत, अरबी और फारसी भाषा में शिक्षा का माध्यम बनाना चाहिए। और जो मुंबई के लोग थे, वो जो है जैसे साधारण बोलचाल के भाषा के पक्ष में थे, उस माध्यम से शिक्षा देनी चाहिए। और जो युवा का समूह था, युवा का समूह यह चाहता था कि वो जो है आंग्ल भाषा में शिक्षा देनी चाहिए। हाँ, तो इस प्रकार से देखा जाए तो अंग्रेजी काल में भी जो शिक्षा थी, उसमें भी या 18वीं शताब्दी में भी शिक्षा का कोई विकास नहीं हो पाया। वो अंधकार में ही था, सिर्फ उद्देश्य साधन माध्यम बनाया जा रहा था, इस पर ही वाद विवाद किया जा रहा था, अनेक मत उसमें प्रस्तुत किया जा रहा था। इसकी वजह से शिक्षा का किसी भी प्रकार से जो है विकास नहीं हो पाया, या जन साधारण लोगों तक पहुंचाया नहीं जा पाया। ये सारी चीज़ें जो है शिक्षा के विषय में, या जो है उनके आगे उसका भविष्य कैसा सुधर सके या बन सके, इसके बारे में भी वो सिर्फ वाद विवाद और लड़ाई झगड़ा चलता रहा। इस वजह से शिक्षा का किसी भी प्रकार से जो है प्रचार प्रसार नहीं किया जा सका। इसलिए अनिश्चितता युग कहा गया। इसको क्या कहा गया? इस युग को क्या कहा गया? अनिश्चितता युग कहा गया। ये युग कब से कब प्रारंभ हुआ? 1813 से लेकर 1833 तक चलता रहा। 1813 से 1833 तक कौन सा युग चला? अनिश्चितता का युग चलता रहा। इसमें भी शिक्षा क्या हुआ? अनिश्चित था, अनिश्चित युग कहा गया। इसमें भी शिक्षा का कोई निश्चित जगह या स्थान या साधन उद्देश्य कुछ भी नहीं बनाया जा सका। यह भी क्या हो गया? एक अनिश्चित युग का नाम इसको दे दिया गया। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि शिक्षा जो था उसके लिए आगे पाश्चात्य जो राष्ट्र और पाश्चात्य के बीच में शिक्षा का युग जब आया, तो उसमें क्या शिक्षा का प्रावधान किया गया, क्या साधन, कैसे उद्देश्य। इसमें भी हम यही पढ़ेंगे कि शिक्षा का क्या भविष्य उसमें सुधर पाया कि नहीं सुधर पाया, इसके बारे में जो है हम राष्ट्र और पाश्चात्य युग को आज हम पढ़ेंगे। अगले वाले वीडियो में हम आपको पाश्चात्य के ही बारे में बताएंगे कि जो पाश्चात्य का मतलब यह होता है पश्चिमी देश से आए हुए लोग हमारे भारतीय प्रवासियों के बीच में शिक्षा को किस प्रकार से जो है अपने अनुसार शिक्षा का कैसे प्रचार प्रसार या क्या साधन माध्यम बनाए जिससे कि शिक्षा का भविष्य सुधर सके या लोगों की जन साधारण लोगों तक पहुंचाया जा सके जिससे कि उनका भविष्य सुधर सके। तो इस प्रकार से हम अगली वीडियो में आपको प्राच्य और पाश्चात्य युग के बारे में बताएंगे।